हेलो नाइन क्लास, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ मैं आपका जाना पहचाना आशीष सर लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी का सिलेबस क्लास नाइन्थ, जिसका कोड रहता है 002। पूरा सिलेबस के साथ साथ में आपके पास जो एग्ज़ाम है, पेपर है, वो किस तरीके से आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से आपके सिलेबस से हटा दिए हैं इस साल, पूरी जानकारी, क्योंकि 2021-22 का ये सिलेबस आपके लिए। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हर एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे जो मेजर चेंज रहता है नाइन्थ क्लास में, वो रहता है पेपर 80 नंबर का आएगा आपके पास। सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट आपके 80-80 मार्क्स होंगे और ये रहेंगे आपके 3-3 घंटे के। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज है, जिस जो कि आपके लिए एट्थ से चेंज रहता है नाइन्थ में, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश आएगा, अपठित गद्य आएगा, यानी कि पैसेज, और पैसेज में से आपको किस तरीके से सवाल आएंगे, दो सवाल आएंगे आपके लिए एक एक नंबर के, यानी कि अति लघुतरात्मक, छोटे से सवाल होंगे एक एक नंबर के दो, साथ में लघुतरात्मक दो दो नंबर के चार सवाल, तो टोटली 2 और 8 10 नंबर का आपके पास गद्य खंड से पूछा जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं होगा, वो अपठित होगा, क्योंकि आजकल आपके गद्य और कविता की प्रैक्टिस चल रही है, तो ध्यान से वीडियो वर्कशीट को देखते रहिए। दूसरा टॉपिक है ग्रामर में, तो ग्रामर में भी आपके काफ़ी टॉपिक्स हैं आपके लिए, 16 नंबर का ग्रामर से आएगा और बहुत ही आसान होता है ये ग्रामर के टॉपिक। और अगर आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं तो मैं वीडियो जो है आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। पहला आपके लिए उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग आपका 2 नंबर का और प्रत्यय आपका 2 नंबर का, तो उपसर्ग प्रत्यय से आपके पास 4 नंबर के पेपर आएंगे। दूसरा है, चलिए दूसरा जो टॉपिक होता है ग्रामर में, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद की पहचान करेंगे और वाक्य परिवर्तन करेंगे, 4 नंबर का आपके लिए ये रहेगा। उसके बाद आपके पास रहता है अलंकार, यानी कि अलंकार का टॉपिक होगा 4 नंबर का, और अलंकार में भी कॉपी और पेन उठाइए और नोट करते जाइए। अलंकार में आपके पास अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, तो ये सारे अलंकार होंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 अलंकार आपको पढ़ने होंगे। ग्रामर के सारे टॉपिक की वीडियोज हमारे चैनल पे हैं, इजीली आसानी से आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक क्षितिज में, जो हमारे पास कृतिका बुक है, उससे भी आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्षितिज और कृतिका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गद्य खंड से आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे, वो गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन होंगे, जो कि 3 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, यानी कि 3 सवाल 2-2 नंबर के, तो टोटल आपके 6 नंबर हो गए। इसी तरीके से क्षितिज से गद्य पाठों से भी आपके पास थोड़ा और बड़े सवाल आएंगे, ये रहेंगे 4 सवाल, जो कि 2-2 नंबर के होंगे, तो 2-2 नंबर के यानी कि 8 नंबर के ये वाले भी आपके हो गए, ठीक है। तो 8 और 6 14 नंबर आपके पास क्षितिज से गद्य खंड से आएंगे, और काव्य खंड से इसी तरीके से आपके पास 3 सवाल पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, छोटे सवाल होंगे 2-2 नंबर के 6 नंबर, और उसके बाद आपके पास 4 सवाल होंगे 2-2 नंबर के 8 नंबर के, तो टोटल आपके पास 8 और 6 14 हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं कृतिका से, तो कृतिका से आपके पास 2 बड़े सवाल होंगे 3-3 नंबर के, टोटल आपका 6 नंबर, तो कृतिका से आपके पास 6 नंबर का आएगा, और जो 14-14 नंबर आपके पास क्षितिज के गद्य और कविता वाले पार्ट से आएंगे। अब लेखन यानी कि ग्रामर का और जो डीप नॉलेज है, जो कि आपको नया पढ़ना होता है, तो यहाँ पर जो समसामयिक यानी कि करंट जो चल रहा होता है, वो टॉपिक्स होते हैं आपको लिखना होता है, एक विषय पर अनुच्छेद लेखन, यानी कि 3 टॉपिक होंगे, 3 में से आपको एक ही टॉपिक पे 80 और 100 शब्दों का एक
अनुच्छेद लिखना है जो कि 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद अनुच्छेद लेखन लिखना है, ध्यान रखें ये निबंध नहीं है, अनुच्छेद है, छोटा सा आपके लिए पौने पेज का आधे पेज का ये अनुच्छेद रहेगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, कोई एक आएगा ये 5 नंबर का होगा। उसके बाद बात करते हैं विषय पर, किसी एक विषय पर संवाद यानी कि डायलॉग राइटिंग, संवाद लेखन, और ये संवाद लेखन भी आपके पास 5 नंबर का रहेगा। और लघु कथा लेखन, छोटी सी कहानी लिखनी होगी, आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, पॉइंट्स के आधार पर लिखना है और एक छोटी सी कहानी बनानी है 5 नंबर की। तो ये हो जाएंगे आपके पास 20 नंबर का, 5-5 करके आपके पास सभी से आएंगे, यानी कि 5 नंबर आपको अनुच्छेद लेखन, 5 नंबर आपका पत्र लेखन, 5 नंबर आपका संवाद लेखन और 5 नंबर आपका लघु कथा लेखन। तो इस तरीके से आपके पास जो टोटल हैं वो 80 नंबर का हो जाएगा। अब 80 नंबर हो जाएंगे तो 20 नंबर हैं वो कहाँ से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 80 नंबर तो आपको ये वाला पेपर हो गया, जो 20 नंबर हैं वो टीचर के पास रहेंगे, यानी कि इंटरनल टीचर आपसे हिंदी पढ़वा सकता है, टीचर आपसे हिंदी लिखवा सकता है, टीचर आपका बिहेवियर देख सकता है, टीचर आपसे छोटे छोटे सवाल बीच बीच में क्वेश्चंस हैं, प्रोजेक्ट फाइल है वो बनवाएंगे। तो ये 20 नंबर आपको टीचर से बस बना के रखनी है, आसानी से आपको 20 में से 20-19 मिल जाएंगे और आपका टोटल हो जाएगा 100, ठीक है। तो चलिए अब आप बात करते हैं कौन से चैप्टर आपके हटाए गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो CBSE के मतलब एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो क्षितिज से देखो, पाठ्यक्रम से निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं, काव्यखंड से, सबसे पहले हम क्षितिज के काव्यखंड से, कबीर की शाखियाँ और शबद, और शबद में भी दूसरा शबद जो है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, सिर्फ ये वाला शबद नहीं आएगा, इससे पहले वाला आएगा, सुमित्रा नंदन पंत का ग्रामश्री है, तो ये वाली कविता भी आपके पास नहीं आएगी। गद्यखंड से श्यामा चरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कुत्ता एक मैना, यानी कि ये वाले दोनों भी आपके पास नहीं आएंगे और ये वाले भी आपके पास नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं कृतिका से, तो कृतिका से फणीश्वर नाथ रेणु का पहला ही पाठ है इस जल प्रलय में नहीं आएगा, और शमशेर बहादुर सिंह का किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया भी नहीं आएगा। तो टोटल आपके पास 2 यहाँ से नहीं आएंगे, 2 यहाँ से नहीं आएंगे और 2 यहाँ से नहीं आएंगे, तो टोटल 6 आपको जो चैप्टर हैं वो नहीं पढ़ने हैं। आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, फिर भी कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए तो हमारे चैनल पे वीडियो है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।